एसएस राजा मौली की आरआर मुझे लगता है कि बहुत जो है धमाल मचा रही है। कुछ दिनों पहले हमने देखा गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में भी आरआरआर की धूम रही, वहीं अब खबर आ रही है कि ऑस्कर की जो नॉमिनेशन की ऑफिशियल नॉमिनेशन की लिस्ट सामने आई है उसमें नाटो नाटो को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी के लिए नॉमिनेशन मिल गए हैं। जी हाँ, ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी के लिए नॉमिनेशन नाटो नाटो को जो है मिल चुका है। तो आज जितने भी नॉमिनेशंस थे ऑफिशियल नॉमिनेशंस, उसकी लिस्ट जो है द अकेडमी हैंडल पर रिलीज की जा रही है और नाटो नाटो ने ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में अपनी जगह बना ली है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अब नाटो नाटो भी ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में कंपीट करेगी। हम आपको बता दें कि जो गोल्ड ये अवार्ड होने वाले हैं द एकेडमी अवार्ड्स, 6,000 मेंबर्स की रिसर्च टीम फिल्मों के नॉमिनेशन को हर पैमाने पर नापने के बाद निर्णय लेती है और साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से सिर्फ 9 फिल्में फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचती है और उनमें से टॉप 5 फिल्में फाइनल में जाती हैं और उनमें से एक को ऑस्कर मिलता है। तो बहुत सारे जाते हैं जिसमें से 5 जो है शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं और उन 5 में से किसी एक को जो है ऑस्कर मिलता है। इस साल भारत की तरफ से जो फिल्में गई थी सिर्फ 3 फिल्में आखिरी लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई थी, इससे पहले कि मैं बात कर रही हूं, जिसमें मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान का नाम शामिल है। तो नाटो नाटो को लेकर अगर मैं ट्विटर पे बात करूं, ट्रेंड की बात करूं, तो जैसे ही ये खबर आई नाटो नाटो को लेकर, तो ये जो है आरआर मूवी और नाटो नाटो फॉर ऑस्कर्स, ये लगातार जो है ट्रेंड हो रहा है और हर कोई जो है कह रहा है, एक लिखते हैं हिस्ट्री में फर्स्ट इंडियन सॉन्ग नॉमिनेटेड इन ऑस्कर्स। तो अपने आप में ये बड़ी बात है कि पहला इंडियन सॉन्ग है जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ है और वो है नाटू नाटो। तो अब देखना होगा, हर किसी को इंतजार है कि क्या ये जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं 5 ओरिजिनल सॉन्ग, एक है अप्लॉज, एक होल्ड माई हैंड, एक लिफ्ट मी अप, एक नाटू नाटू और दिस इज लाइफ, ये 5 सॉन्ग जो है शॉर्टलिस्ट हुए। अब देखना होगा कि क्या इसमें नाटो नाटो जो है वो ऑस्कर जीत पाता है या नहीं। तो फिंगर क्रॉस, अगर वो जीतता है तो वाकई में भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता होगी, भारतीय सिनेमा के लिए ये बहुत बड़ी सफलता होगी।